अरे अभी मुजफ्फरपुर में गए हुए थे वो, एक तरफ उनकी सभा चल रही थी और एक तरफ लूट मची हुई थी। कैसा बिहार है ये? नीतीश कुमार जी से तो हम कब से इस्तीफा मांग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरजेडी सभी गठबंधन के जितने घटक दल हैं उन्हें इंटैक्ट कर रही है। एनआरसी का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, इस सभी मुद्दों पर जनता को एकत्रित कर रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से लालू फैमिली में कलह चल रहा है, आपसी बयानबाजी चल रही है, क्या इससे महागठबंधन कमजोर नहीं पड़ेगा? खास करके उस वक्त जब बिहार सरकार के मंत्री साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर कोई दोषी है इसमें तो कार्रवाई जरूर होगी। क्या कार्रवाई होगी लालू फैमिली पर? और लगातार जिस तरीके की सियासत हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, लगातार आप लोग सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं, जनता को उतार रहे हैं, लेकिन आरजेडी की अगर हम बात करें तो खुद में ही विवाद में फंस गई है, कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक एनआरसी और सीए का मुद्दा है, उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को उसकी सच्चाई बताने के लिए हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के दौरे पर निकल चुके हैं। मोतिहारी से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है, समझो समझाओ देश को बचाओ। अब ये समझिए कि इन सब मुद्दों के बीच में भाजपा के लोगों के पास कितना फ्री टाइम है कि किसी का अपना निजी और पारिवारिक मुद्दा है, उस पारिवारिक मुद्दे को का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे आप इतने दिनों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, बिहार में इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी व्याप्त है, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई हुई है, सुरक्षा की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, यहाँ पर इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है यहाँ की, और तब आपके पास इतनी फुर्सत है कि आप टिका टिप्पणी कर रहे हैं किसी की निजी जिंदगी पर? अरे उनका भी पारिवारिक मामला है, कहने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का भी पारिवारिक मामला था। लेकिन इन सब को दरकिनार करके उन्हें तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ना, लेकिन वो लोग किस चीज़ पर डटे हुए हैं कि लालू फैमिली पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे अब तो आपने उनको फंसा कर इतने दिनों तक जेल में बंद रखा है, अब और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आप? लालू फैमिली को किसने फंसाया? लालू प्रसाद यादव तो फिलहाल चारा घोटाला में लिप्त है, वो सजा याफ्ता है। देखिए, सजा याफ्ता लालू जी हैं, उनके जो बच्चे हैं जिस उम्र में वो थे उस वक्त जिस समय उन पर आरोप लगा था, वह तो अब वो थे, वह तो नाबालिग थे। आप किसी नाबालिग पर केस मुकदमा करके उसे थोड़ी फंसा सकते हैं। और अब जब उनके परिवार का निजी मामला है, उनके घर के अंदर का निजी कलह कलेश है, उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? अरे आपके ऊपर बिहार को सुधारने की जवाबदेही जनता ने 15 वर्षों से दे रखी है, उसका जवाब दीजिए ना, उसके बारे में कुछ सोचिए ना। ये लगातार यात्रा तो कर रहे हैं। अरे आप ये समझिए कि बिहार में जो सबसे बेसिक ज़रूरत है, बिहार में इतनी बड़ी पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी, सुरक्षा के बारे में तो बिहार इतना फिसड्डी हो चुका है, अपराध चरम पर है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कितनी लचड़ है आपने देखा है, एक से एक कांडों से बिहार की छवि पूरे विश्व में, पूरे देश में धूमिल हो चुकी है। और उन सबके बीच नीतीश कुमार जी यह बताना चाहते हैं कि मुद्दा शराबबंदी का मुद्दा, उन्होंने जो दहेज प्रथा के लिए जो किया है उसका मुद्दा भजाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार एक स्वर्णिम जगह है इन सारी बातों के लिए। अरे रोजगार तो है ही नहीं यहाँ पर युवाओं के पास, इतने बड़े पैमाने पर अपराध है, लूट हो रहा है। अरे अभी मुजफ्फरपुर में गए हुए थे वो, एक तरफ उनकी सभा चल रही थी और एक तरफ लूट मची हुई थी, कैसा बिहार है ये? जिस तरीके से लगातार बयानबाजियाँ हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? तेज प्रताप यादव हो या उनके परिवार पर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए जो एनडीए के लोग हैं, भाजपा और जदयू के लोग हैं, उनके पास कोई काम नहीं रह गया है। उन लोगों को समझना चाहिए कि ये उनका पारिवारिक मुद्दा है, निजी मामला है, इस पर किसी भी तरह की कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर होती है इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। हम अपने विरोधी दलों से इस बात का आग्रह करते हैं कि बिहार को सुधारने के बारे में सोचिए। तेज प्रताप यादव जी क्या हैं? जिस तरीके से घर में कलह चल रहा है, क्या इसे अगर हम देखा जाए तो चंद्रिका रवि कह रहे हैं कि बेटी की सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार के पास बातें रख रहे हैं, तो क्या ये? देखिए, चंद्रिका राय जी एक बेटी के पिता हैं, यह उनके घर का निजी मामला है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वह तो चाहेंगे अपनी बेटी की भलाई, कोई भी पिता चाहेगा, हम सब पर या गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये इन मुद्दों, ये जनता के मुद्दे नहीं है ना, तो इससे गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा, बिहार की जनता पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे हमारे आपके घर में आज की डेट में अगर मैं भी राजनीति कर रहा हूँ, किसी तरह की परेशानी मेरे घर में होती है, हमारे नेता के यहाँ होती है, तो वह हमारा निजी मामला है, निजी मुद्दा है, उसको हम निजी तरीके से बैठ कर लोगों के साथ डिस्कस करके सुलझाएंगे या देखेंगे कैसे सुलझ सकता है। इससे जनता प्रभावित नहीं होने वाली है, महागठबंधन का वोट प्रभावित नहीं होने वाला है। बहुत सारे जैसे घोटाले भी हैं, बालिका गृह हुआ या और भी चर्चित घोटाले हुए, जिसको लेकर लगातार आप लोग नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगते रहे। नीतीश कुमार जी से तो हम कब से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जितने संवेदनहीन है, एनडीए की सरकार जितनी संवेदनहीन है, हमें तो शर्म आती है कि बिहार का नाम अब क्राइम में इतना ऊपर। क्यों, चारा घोटाला समय नहीं हुआ था बिहार का नाम समसा? आप ये सोचिए ना कि चारा घोटाला में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता के आधार पर, इतना बड़ा बालिका गृह कांड हो गया,
उसके बाद भी इतने सारे जघन्य अपराध बिहार में हुए, किसने इस्तीफा दिया, किसने इस्तीफे की पेशकश की, किसी अदने से मंत्री ने भी इस्तीफा दिया क्या, किसी अधिकारी ने, मंजू वर्मा को क्या, कैसे निकाला गया था, अब तो है ना उसके साक्षी, किस तरह से निकाला गया था, क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लिया गया जब इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पर बच्चों का देहांत हुआ, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। बालिका गृहकांड जैसा जैसा मुद्दा है उसमें तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, बिहार के मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए। अरे मंत्री क्या करेंगे, आज की डेट में वो है, कल हो के कोई और होंगे, लेकिन 15 साल से बिहार की सत्ता, 14.5 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज है कौन आखिर। देखिए सत्ता पे जो काबिज है, इस्तीफा तो अंत में उन्हें ही देना पड़ता है, चाहे अगर हम पुराने इतिहास की बात करें, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से इस्तीफा दिया था, उसी तरह से क्या आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री का इस्तीफा जिस तरह से विपक्ष मांग रहा है उसे हासिल करने में क्या वो कामयाब हो पाएगा। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।